हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि। आप देख रहे हैं दिल्ली अंजार का सबसे अच्छा कंप्यूटर रिपेयर सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर। आज हमारे पास एक ये कुरियर आया है जो कि आप देख सकते हैं। इसका एड्रेस जो है ये शिमला से है। एक कुरियर आया है, इसमें हमारा एक लैपटॉप आया है रिपेयरिंग के लिए। अब हम इसको खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसमें ये क्यों आया है। अगर आपके पास भी कोई लैपटॉप है जिसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है और अगर आप दिल्ली से हैं या फिर दिल्ली एनसीआर के हैं तो आप खुद ही आ सकते हैं, और अगर आप बाहर से हैं कहीं से तो आप लैपटॉप का या फिर जो भी आपका प्रिंटर हो या कंप्यूटर हो उसे कोरियर के थ्रू आप हमारे पे भेज सकते हैं और उसे रिपेयर करवा सकते हैं। तो चलिए इसको खोलते हैं और देखते हैं कि इस लैपटॉप में क्या प्रॉब्लम है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। ये एसर का लैपटॉप है, आप देख सकते हैं ये एसर का लैपटॉप है। अभी इसको ऑन करते हैं और देखते हैं कि अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये हमारा एसर का लैपटॉप है जिसका मॉडल नंबर है एसर ES1520। तो इसको अब ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। चार्जर को इसमें लगाते हैं। तो अभी मैंने चार्जर कनेक्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं कि चार्जर की लाइट जो है वो ग्लो करने लगी है। अब हम इसको लैपटॉप पे लगाते हैं चार्जर को। और चार्जर को कनेक्ट करते ही यहाँ पे चार्जिंग की जो लाइट है लैपटॉप चार्जिंग की वो भी ग्लो होने लगी है। तो अब इसको ऑन करते हैं और देखते हैं कि क्या इशू है। तो अभी हमारा जो लैपटॉप है ये ऑन हो चुका है और इसका जो टच पैड है ये हमारा वर्क नहीं कर रहा है, और इसी के लिए ये हमारे पास आया हुआ है ये लैपटॉप। इसका टच पैड वर्क नहीं कर रहा है। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई लैपटॉप है जिसमें आपका कोई लैपटॉप ऑन ना हो रहा हो, डिस्प्ले ना आ रहा हो, या फिर कोई कीबोर्ड वर्क नहीं कर रहा हो, या फिर डिस्प्ले वर्क या आपका टच पैड वर्क नहीं कर रहा हो, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो आप सूरज कंप्यूटर पर दिखा सकते हैं। और अगर आप दूर से हैं तो आप अपना लैपटॉप कुरियर के थ्रू हमें भेज सकते हैं।